नमस्कार दोस्तों, आज फिर नए व्लॉग में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज बीसलपुर बांध के पास में एक प्राचीन गुफा है जिसके बारे में आपको बताएंगे, उस गुफा का दृश्य दिखाएंगे दोस्तों, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। चलते हैं दोस्तों, गुफा दिखाते हैं आपको। वो ऊपर पहाड़ी दिख रही है ना आपको, बहुत ऊपर उसके वहाँ पर है दोस्तों गुफा। पहाड़ी दिख रही है जो टॉप पर, जो आपको पहाड़ी दिख रही है वहाँ पर बनी हुई है दोस्तों गुफा, उसको दिखाते हैं दोस्तों। चलते हैं, देखते रहिए वीडियो को दोस्तों। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। आखिर में दोस्तों पहुंच ही गए हम गुफा के पास। जो अनुराग जी गौतम है, इनकी हालत खराब है, ये बहुत परेशान है क्योंकि चढ़ाई कम से कम 500 मीटर की चढ़ाई है, इतनी ऊपर है ये गुफा। तो हम आज आपको ये प्राचीन गुफा जो आज दिन तक तो किसी ने नहीं बताई होगी किसी भी चैनल पर, तो इस चैनल पर तोगड़ा इंडियन ब्लॉगर्स चैनल पर आपको ये गुफा दिखा रहे हैं। बहुत प्राचीन गुफा है दोस्तों। बांध से ये टोडा राय सिंह 12 किलोमीटर हाडी रानी के महल के अंदर निकली हुई है ये प्राचीन गुफा, बहुत ही प्राचीन है। कहता है कि गुरु गोरखनाथ जी ने इस गुफा के अंदर तपस्या की थी दोस्तों। गुफा इतनी बड़ी है कि इंसान इसमें आराम से चल फिर सकता है और घूम सकता है आराम से, इतनी बड़ी गुफा दोस्तों। ये प्राचीन गुफा जो आप देख रहे हो, इसके बारे में मैंने सारी जानकारी आपको बता दी है। यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्राचीन मंदिर बांध हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं, तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्रकृति का मनमोहक दृश्य, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, पहाड़ की हरियाली का तो कोई मजा ही और है। देखो पेड़ देखिए आप, देखिए दोस्तों, ये बीसलपुर बांध महादेव मंदिर, ये देखिए दोस्तों गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। गुफा देख के नीचे आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये बीसलपुर बांध, ये देखिए दोस्तों, आपको बता दें वो आपको अभी गुफा दिखाई थी वो उस वहां पर ऊपर है, वो टॉप पर जहां पर ऊंची पहाड़ी दिख रही है वहां पर है वो गुफा।